उसका दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको टारगेट वन ईआरपी सॉफ्टवेयर में किसी भी पार्टी के एक साथ अगर किसी महीने के बिल जनरेट करने हैं, वन पीडीएफ में जनरेट करने हैं तो किस प्रकार किए जाएंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि क्या होता है कि कई बार कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट रहती है कि मुझे किसी पार्टी के सभी बिल सेंड करने हैं और सभी की एक पीडीएफ जनरेट करनी है, तो आज इस वीडियो में उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। तो देखिए एक डेटा है मेरे पास, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ जैसे मुझे अप्रैल मंथ में और एक पार्टी के बिल जनरेट करने हैं। अभी जैसे इसमें ये है श्री बालाजी इंजीनियरिंग वर्क्स, मुझे इसी के में है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा श्री बालाजी सर्च करूँगा और ओके। अभी इसके यहाँ मेरे सामने 2, 4, 6 और 1, 7 बिल हैं, तो मैं इन सभी बिल को सेलेक्ट करूँगा। चलिए मैं इसके यहाँ और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, श्री बालाजी करके सर्च कर लेता हूँ। तो अभी सारे एक ही, अभी इसमें एक बागन हुआ ये अलग फर्म और है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट ऑल करके और इसको निकाल देता हूँ। तो इसमें देखिए मुझे ये सब बिलों की एक पीडीएफ जनरेट करनी है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा कि सबसे पहले मेरे सॉफ्टवेयर में कंट्रोल पैनल में जो डिवाइस एंड प्रिंटर होगा, यहाँ मैं प्रिंटर बाय डिफॉल्ट सेट करना होगा मुझे। तो यहाँ मेरे पास एक पीडीएफ 24 नाम से प्रिंटर है, तो ये फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन है, ये आपको इंस्टॉल करनी होगी और ये पीडीएफ 24 के नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी जिसमें कि पीडीएफ 24 एक प्रिंटर शो होगा। तो यहाँ मैंने इसको बाय डिफॉल्ट किया है, सेट एज डिफॉल्ट करना पड़ेगा, प्रिंटर स्टेटस डिफॉल्ट। तो बस एक आपको यही सेटिंग ऑन करनी है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। और यहाँ से सीधा आपको नीचे दिया हुआ है बिल्स, तो बिल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और एक नई विंडो आपके सामने खुलेगी और उसमें आप देख सकते हैं कि एक एक करके आपके सभी बिल ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक बिल को पीडीएफ पढ़ने में लगभग आपका 8 से 10 सेकंड का टाइम लगेगा। तो जितने बिल होंगे अभी देखिए ये आने स्टार्ट होगी एक पेज, अभी इसके बाद आपका दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे सभी बिल इसमें ऐड होते जाएंगे। तो मैं यहाँ वीडियो को कट करके और सीधा डायरेक्ट एंड पे जाऊंगा। अभी जैसे इसमें 2 बिल आ गए, इस तरह आपके यहाँ मैंने 6 बिल सेलेक्ट किए थे, तो 6 के 6 बिल अभी एक साथ आ जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि पीछे ही मेरी स्क्रीन आ गई, 6 के 6 बिल मेरे यहाँ आ चुके हैं और ये देखिए ऊपर नंबर ऑफ फाइल 6, तो 6 फाइल यहाँ मेरे पास आ चुकी हैं। और मैं इसको लास्ट में ये एक ऑप्शन है ज्वाइन फाइल, तो मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करूँगा और लास्ट में इसको सेव एज पीडीएफ। अब मैं इसको किसी भी नाम से जैसे श्री बालाजी के नाम से इसका पाथ मैं सेट करूंगा, जैसे डाउनलोड्स में ले लिया मैंने श्री बालाजी अप्रैल बिल, ठीक है। मैंने इसको अपनी मर्जी से किसी भी नाम से इसको सेव कर सकते हैं, तो मैंने इसको सेव कर लिया। अभी आप देखिए कि ये सभी बिल की एक पीडीएफ जनरेट होगी। ये आपका 1 तारीख का बिल है, उसके बाद अगला बिल 5 तारीख का है, उसके बाद आपका 9 तारीख का बिल है, उसके बाद आप देख सकते हैं 14 तारीख का अगला बिल है और एक ही पीडीएफ में सभी बिल जनरेट हो चुके हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी पार्टी के या फिर किसी मंथ के आपको जिस भी अकॉर्डिंग आपको बिल बनाने हैं तो वो आप यहां से इसमें बिल को सेलेक्ट करेंगे, चाहे आप पूरे महीने के बगैर पार्टी सेलेक्ट किए पूरे महीने की अगर आपको बिल की एक पीडीएफ जनरेट करनी है तो आप यहाँ सभी बिल को जैसे यहाँ 1/4 से 30/4 तक मैंने डेट सेट की और सभी बिल को सेलेक्ट ऑल किया और ये 46 बिल आपके सेलेक्ट हो गए और यहाँ से आप जस्ट बिल्स पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी बिल की एक पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी किसी तरह की कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और हम आपके
जो भी कमेंट होगा उसका जवाब देने का शीघ्र प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।